आशीष ठाकुर, हमीरपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र महासचिव। जैसे कि आज जो ये पुतला दहन किया गया और साथ में जो रोष प्रदर्शन युवा कांग्रेस बिलासपुर के द्वारा किया गया है, वो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा जो हमारी यूपीए की अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी जी, उनके ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई है, उसके लिए ये रोष प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो आने वाले आगामी जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें भाजपा पूरी तरह से हार रही है और इस तरह की टिप्पणियां कर रही है। जैसे कि आपको पता है कि जो भारत देश है उसमें 50% से ज़्यादा महिलाएं हैं, तो अगर नरेंद्र मोदी जी इस तरह की टिप्पणियां महिलाओं के ऊपर करते हैं, तो इससे नरेंद्र मोदी जी और जो भाजपा सरकार है उनकी मानसिकता साफ झलकती है कि वो महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। आज लोग बात करते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, कोई बोलता है शिखर की ओर हिमाचल, कोई बोल रहा है शिखर की ओर भारत। अगर वो महिलाओं के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणियां हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे, तो ये जो बात है ये सहनीय नहीं होगी। अगर नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक तौर से यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से माफ़ी नहीं मांगी, तो युवा कांग्रेस प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगी और जिसका खामियाजा आगामी लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा।